Hey, what's up guys? Welcome back once again. दोस्तों आज की कहानी दो भाइयों की है जिनके ऊपर से माँ बाप का साया बरसों पहले उजड़ गया, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को संभाल लिया और आखिर में उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो किसी ने भी सोचा नहीं था। तो कहानी शुरू होती है, समय चल रहा है 1980 का, जगह है ईरान का एक छोटा सा गाँव जहाँ पर रहता है डाना और उसका छोटा भाई जाना। दोनों को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें पसंद है सुपरमैन। इसलिए वो जब भी उस गांव में किसी भी सुपरमैन की मूवी लगती है तो भागते हुए जैसे तैसे करके उसे देखने चले जाते हैं। लेकिन आज उनका दिन खराब है क्योंकि जब वो थिएटर की टूटी हुई खिड़की से फिल्म देख रहे थे तभी वहां पर उसका मालिक आ जाता है और उन्हें मार कर भगा देता है। ये बात जाना को बुरी लगती है, हालांकि वो छोटा है इसलिए थोड़ा नासमझ, लेकिन वो अपने भाई से कहता है कि अगर हमारे पापा आज जिंदा होते तो हम भी उन बच्चों की तरह अंदर बैठकर फिल्म देख पाते, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हमारे नसीब में खुशियां लिखी ही नहीं है। पर डाना बड़ा भाई होने के नाते उसे समझाता है और फिर वहां से जाकर सबसे ऊंची चट्टान की ओर देखने लगता है। लेकिन तभी वहां जाना आता और उसके पास खड़ा हो जाता है। तब वो अपने छोटे भाई को बताता है कि वो इस समय अमेरिका को देख रहा है जहाँ पर सुपरमैन रहता है। अगर वो हमारी मदद करने के लिए आया या फिर हम उसके पास अमेरिका गए तो हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वो दोनों उम्र में बहुत ही ज्यादा छोटे थे इसलिए उन्हें अभी तक यही लग रहा है कि सुपरमैन रियलिटी में सबकी मदद करता है। और यहाँ जाना तो अमेरिका जाने के लिए निकलने भी लगता है, पर डाना उसे रोकता है और उसे बताता है कि वहां जाने के लिए हमें कुछ पैसे और पासपोर्ट चाहिए। तब वो रुक जाता है। इसके बाद दोनों अपने मालिक के पास चले जाते हैं जहाँ से उन्हें अपना सामान उठाना है और काम पर जाना था। और असल में दोनों भाई रोजमर्रा का खर्चा पूरा करने के लिए बूट पॉलिश का काम करते थे। इसमें जाना का काम था लोगों को चिल्ला कर पास बुलाना क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा बोलता था और यही उसकी खासियत थी। काम खत्म होने के बाद वो फौरन पास के एक दलाल के पास जाते हैं जो कि सबका पासपोर्ट बनाता था, लेकिन वहां जाके उन्हें पता चलता है कि एक पासपोर्ट बनाने के लिए कम से कम 7,000 दिनार की जरूरत पड़ेगी जो कि उन्होंने कभी आज तक देखी नहीं है। लेकिन यहाँ जाना के दिमाग में अलग ही कैलकुलेशन चल रही थी। वो हिसाब लगाने लगता है कि उसे एक साल में 60,000 लोगों के जूते पॉलिश करने होंगे तब जाकर उनके पास इतने पैसे आएंगे। अब वो दोनों ऊपर वाले से विनती करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द पासपोर्ट मिल जाए। तो दाना कहता है कि तुम क्यों ना ऊपर वाले से 10 लाख दिनार मांग लो, उससे हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं। लेकिन जाना कहता है कि चाचा ने कहा है कि जितने इंसान की जरूरत हो उसे उतना ही मांगना चाहिए, ज्यादा लालच बुरी बला है। अब इतने छोटे से लड़के को इतनी समझ की बातें देखकर दाना बहुत खुश होता है और दोनों बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वो अपने चाचा के पास जाते हैं जिससे जाना ज्यादा करीब था। वो उन्हें दिन भर की सारी बातें बताता था और वो बदले में उसे खाने को कुछ देते हैं। लेकिन घर जाते टाइम जाना को एक परिवार दिखता है जो एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। उन्हें देखकर उसे अपने परिवार की याद आने लगती है, लेकिन तभी वहां पर डाना आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ हम एक और छोटी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम है हेलिया जो कि उसी गांव में रहती है और डाना उसे पसंद करता है। अब उसके पीछे जाने के चक्कर में वो अपने छोटे भाई जाना को वहीं अकेला छोड़ देता है, लेकिन डाना तो अब उसके पीछे चला ही जा रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों रुकते हैं और यहाँ हेलिया उसे किस करती है जिसके बाद वो ऊपर वाले का दिल खोलकर शुक्रिया अदा करता है, लेकिन हेलिया उसे किसी को ना बताने का प्रॉमिस लेती है। अब जब दाना वापस लौटता है तो उसे जाना काम करते हुए देखता है। वो अपने भाई को देखकर उस पर बहुत चिल्लाता है और कहता है कि उसे अकेला काम नहीं करना है, वो दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। अब यहाँ से वो दोनों एक औरत के घर जाते हैं नहाने का पानी लेने के लिए। हालांकि वो पानी तो दे देती है लेकिन उनका बेटा उन्हें भिखारी कहकर बुलाता है जिसे जाना को बहुत बुरा लगता है। तो वो उसकी माँ से झूठ कह देता है कि आपका बेटा अफीम पीता है, जिसके बाद वो औरत अपने बेटे को बहुत मारती है और उसे देखकर ये दोनों हंसने लगते हैं। अब ये दोनों वहां से नहाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर डाना उसे सही तरीका सिखाता है नहाने का, जिस चक्कर में उसे मारता भी है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में अब बस एक ही जुनून है, सुपरमैन। वो कुछ भी करके उसे मिलना चाहता है, लेकिन यहाँ एक बार फिर से डाना उसे छोड़कर हेलिया के लिए चला जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि एक लड़के ने उसकी नेकलेस को तालाब में फेंक दिया है और अब यहाँ उसे वो वापस लेकर आना होगा। लेकिन इस बात से जाना खुश नहीं है इसलिए वो चाचा के पास जाता है और उसकी शिकायत करने के लिए। वो उसे बेटा कहकर बुलाते थे जो जाना को बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो उनका कहा हुआ सारा काम करता है और वो जाना से कुछ लकड़ियां लाने को कहते हैं। वहीं दूसरी ओर हम डाना को देखते हैं जो बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाता है, यहाँ तक कि उसे तैरना भी नहीं आता और उसे बस किसी तरह से हेलिया का नेकलेस ढूंढना है। और अब वो पानी में डूबने लगता है, लेकिन आखिरी मौके पर वहां पर कुछ गांव वाले उसे देख लेते हैं और फौरन पानी से बाहर निकालते हैं। लेकिन तभी हम उसके हाथ में वही गोल्ड नेकलेस देखते हैं, मतलब उसने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे ढूंढ ही लिया था। उधर चाचा जाना से उसकी इकट्ठी की हुई लकड़ियों को देखकर उसे तोड़ने को कहते हैं, लेकिन वो सारी लकड़ियों को एक साथ तोड़ नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ही मजबूत थी
और फिर वो उसे एक सीख देते हैं और वो बड़ी आसानी से उसे तोड़ लेता है। और तब चाचा उसे एक चीज़ समझाते हैं कि बेटा, जब तुम और तुम्हारा भाई एक साथ होंगे तो तुम्हें कोई भी परेशानी हरा नहीं पाएगी, तुम दुनिया की हर चीज़ से लड़ जाओगे, लेकिन अगर तुम अलग हो गए तो तुम दोनों कमज़ोर पड़ जाओगे। मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी अलग नहीं होगे। ये बात उसे समझ आ जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब डाना को वो नेकलेस हेलिया को देने पहुँचता है तो देखता है कि उसका परिवार के सभी लोग अमेरिका के लिए निकल रहे हैं। वो उसका पीछा भी करता और उसके कार के शीशे को बहुत पीटता, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। और उसने जो अपनी जान पर खेल कर उस चेन को ढूंढा था वो भी उसे दे नहीं पाता। और इधर जब जाना काम खत्म होने के बाद घर लौटता है तो देखता है कि चाचा की दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठा हुई है। वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंकल उसे बाहर ले आते हैं और कहते हैं कि तुम अभी छोटे हो, अंदर मत जाओ। लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ लोग उसके चाचा को ले जा रहे हैं और अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं। अब ये देखकर उसके सारे सपने टूट जाते हैं। उसके हाथ में जो सामान था वो भी छूटकर नीचे गिर जाता है। और तभी वहां पर डाना भी पहुंचता है। दोनों के चेहरे पर एक बार फिर से अकेलापन का साया मंडराने लगा था, क्योंकि आज इन दोनों ने अपने सबसे करीबी लोगों को खो दिया है। अब बस यही दोनों बचे हैं। लेकिन यहाँ पर डाना अपने भाई को बताता है कि तुम घबराओ मत, अब वो लोग अमेरिका जाएंगे। इसके लिए वो उसे एक वर्ल्ड मैप भी दिखाता है और बताता है कि देखो, हमारा देश अमेरिका से ज़्यादा दूर नहीं है। इसके लिए मैंने कुछ पैसे भी जुटा लिए हैं और पासपोर्ट के लिए हम अपने माँ का नेकलेस भेज देंगे। अब ये सुनकर वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। और उसी रात तेज़ बारिश होती है, लेकिन दोनों भाई सड़क किनारे एक दूसरे का सहारा बनके पूरी रात गुजार देते हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई घर नहीं है। जो चाचा की दुकान थी वो भी अब बिक चुकी है। अगले दिन डाना फिर से दलाल के पास जाता है और उन्हें वो लॉकेट दिखाते हुए कहता है कि क्या इसे बेचकर पासपोर्ट बन सकता है, लेकिन वो मना कर देता है और उसे वहां से जाने को कहता है। पर तभी एक सलीम नाम का आदमी उसी नेकलेस में लगी तस्वीर को देखता है और बताता है कि ये तो मेरे दोस्त की वाइफ है। तो डाना कहता है कि हाँ, ये मेरी माँ है, पर आपको इनके बारे में कैसे पता? तो बताता है कि मैं और तुम्हारे डैड जंग में एक साथ लड़े थे और उन्होंने मेरी जान बचाई थी, जिसके बाद हमने एक दूसरे के साथ काफी समय बिताया। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अमेरिका भेज दूंगा। लेकिन उसके साइड में बैठा हुआ आदमी उसे ऐसा करने से मना करता और बताता है कि इसमें इस बच्ची की जान भी जा सकती है, मेरे ऊपर पहले से ही चार लोगों की जिम्मेदारी है। उधर जाना और पैसे इकट्ठा करने के लिए एक बच्चे के साथ कंचे खेल रहा था और जीतने पर उसे इनाम में एक गधा मिलता है, जिसे पाकर वो बहुत ही खुश था। वो उसे लेकर अपने भाई के पास आता और उसे बताता है कि इसका नाम है माइकल जैक्सन। लेकिन तभी वहाँ उस गधे का मालिक आ जाता है और उन दोनों से वो गधा छीन लेता है और अपने साथ ले जाता है, जिससे जाना को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि वो हमसे हमारे माइकल को कैसे ले जा सकता है, मैंने उसे गेम में जीता था। इसलिए वो कुछ दिनों बाद फिर से उसी बूढ़े आदमी के पास जाता है और इस बार वो उस गधे को उनसे कुछ पैसे देकर खरीद लेता है। जब वो आदमी उसे इसे खरीदने की वजह पूछता है तो बताता है कि हम इसे अमेरिका जाने वाले। और ये सुनकर जाना तो अपने मन में ही बहुत ही खुशी के मारे झूम उठता है, क्योंकि अब वो फाइनली सुपरमैन से मिल पाएगा। उनके जाने के बाद वो बूढ़ा आदमी उनके लिए दुआ करता है कि उसे ही अच्छे से पता था कि ये बच्चे नादान है, इसलिए कहीं इनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन वहाँ दोनों भाई तो निकल चुके थे अमेरिका के लिए, इसलिए डाना फिर से वर्ल्ड मैप निकालता है। पर यहाँ उसी दौरान जाना कहता है कि उसे अब सुपरमैन से नहीं मिलना। तब उसका भाई उसे बताता है कि सुपरमैन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, उसके पास बहुत सी शक्तियाँ हैं जिसकी मदद से वो हमारे माँ बाप को फिर से जिंदा कर सकता है। अब ये सुन के जाना मान गया था और जाकर अपने माता पिता की कब्र के पास बैठ जाता है और उनसे कहने लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा देर इस गर्मी में सोने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी से अमेरिका से वापस आऊँगा और फिर सुपरमैन आपको ज़िंदा कर देगा। शायद इस कहानी में आपको मासूमियत, अकेलापन और नादानी की सही परिभाषा देखने को मिल जाए, जो कि इन दोनों भाइयों के अंदर मौजूद है। इसके बाद दोनों अमेरिका जाने के लिए सभी ज़रूरतों का सामान को खरीदना शुरू करते हैं और फिर वो दिन आ जाता है जब उन्हें पूरा गांव छोड़ने के लिए आता है। जाना सबसे वादा करता है कि वो सुपरमैन को लेकर इस गाँव में आएगा, जिसके बाद सभी की दिक्कतें दूर हो जाएगी। जाना को अब इतनी जल्दी हो सके अमेरिका पहुंचना था और इसलिए वो दोनों गधे पर बैठकर घंटों तक बस चलते ही रहते हैं बिना किसी दिक्कत के। अभी इस रास्ते में जाना डाना को वो बुक भी दिखाता है, जो कि एक तरह की कंप्लेन बुक थी, जिसमें उसने उन लोगों के नाम लिखे हुए थे जिन लोगों ने उसे हमेशा परेशान करा था, हमेशा तंग करा था, और उसमें सद्दाम हुसैन का भी नाम लिखा होता है। जाना सद्दाम हुसैन से बहुत ही नफरत करता है, क्योंकि उसने ही जंग शुरू करी थी जिसमें उसके माँ बाप की मौत हो गई, इसलिए वो सुपरमैन से कह के उसे सजा दिलवाएगा। अब इसके बाद चलते ही वो एक जगह रुकते हैं और अपने माइकल जैक्सन को नहलाते हैं और खुद भी आराम करते हैं। वहाँ वो फिर से अपने भाई से एक सवाल करता है कि आखिर सुपरमैन कैसे बन गया। तो डाना बताता है कि क्योंकि उसके डैड सुपरमैन थे, इसलिए उनका बेटा भी आके जाकर सुपरमैन बन गया और फिर सबकी मदद करने लग गया।
अब 2 दिन ऐसे ही चलने के बाद जाना को एक ट्रक दिखता है जिसके अंदर कोका कोला की क्रेट रखी हुई थी। अब इतनी सारी कोक देखकर जाना का मन बदल जाता है, तो डाना उसका मन रखने के लिए ट्रक में चढ़ता है और फिर 2 बॉटल उठा लेता है। लेकिन तभी ट्रक चलने लगती है और दोनों भाई अलग हो जाते हैं। जाना बहुत कोशिश करता है कि वो उसे पकड़ ले, याद है कि वो माइकल को भी कहे, लेकिन दोस्तों वो गधा है ना कि घोड़ा है, इसलिए वो भाग नहीं पाता। लेकिन अब दोनों भाई अलग हो चुके हैं। अब यहाँ जाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अब वो कर भी क्या सकता है, इसलिए वो बस चलता ही रहता है जहां तक रास्ता उसे अपने साथ ले जा रहा था। बीच में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसकी जाना मदद करता है, और चलते हुए वो उसे बताता है कि उसे थोड़ी मोड़ी इंग्लिश भी आती है, तो वो उसे कुछ इंग्लिश बोलकर बताता है जो जाना को सुन के बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जाना को थोड़ी दूर पर उसका भाई खड़ा हुआ दिखता है। वो फौरन भागते हुए उसके पास जाता है और डाना भी उसे देख लेता है और दोनों आपस में गले मिलते हैं और फिर से एक हो जाते हैं। यहाँ डाना अपने भाई के लिए 2 कोल्ड ड्रिंक लेकर आया था, लेकिन जाना उसमें से आधी कोल्ड ड्रिंक वो उसी बूढ़े आदमी को दे देता है और फिर वो फिर से आगे बढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि अभी उनका सफर बहुत लंबा है। अब दोनों देर रात तक चलते रहते हैं और फिर आगे जाकर एक जगह पर आराम करते हैं, जिससे जल्दी उठना पड़ता उन्हें। इसके बाद दोनों फिर से निकल जाते हैं और जा पहुंचते हैं बॉर्डर पर। जी हाँ, आर्मी वाले वहां खड़े थे और इनसे पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो डाना बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, हम लोग अमेरिका जा रहे हैं। अब ये सुनकर सभी ऑफिसर हंसने लगते हैं और मजाक समझकर वहां से इन्हें भगा देते हैं, क्योंकि वहां खड़े किसी भी आदमी को इस बात का जरा भी यकीन नहीं था कि कोई आदमी एक गधे पर बैठकर अमेरिका कैसे जा सकता है। अब उदास होकर वो दोनों फिर से वापस आ जाते हैं, पर बीच में उन्हें एक स्मगलर मिलता है जो गैर कानूनी तरीके से लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवाता था, लेकिन वहां जाकर वो भी इन्हें मना कर देता है। पर जाना के बार बार कहने पर वो उनकी बात मान जाता और उनसे कहता है कि तुम्हें अपने गधे को बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे वो लाकर मुझे दे देना और इसके बाद मैं तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवा सकता हूँ। अब दोनों काम में लग जाते हैं और जितने भी दाम मिले माइकल को भेज देते हैं, पर तभी डाना को वहां पर हेलिया दिख जाती है। जी हाँ, वो उसके पीछे भागते हुए जाता है और उसके डैड से छुपकर उसे बातों बातों में पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसे बताती है कि वो कभी अमेरिका जाने ही वाली नहीं थी, बल्कि वो तो यहाँ पर अपनी मासी के घर पर रहती है और इसीलिए डाना वो पूरी रात उसकी मासी के घर के सामने ही बैठा रहता है और बस उसे ही देखता रहता है। और सुबह होते ही उसे लेकर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और वहां से खूब सारी बातें करता है। लेकिन यहाँ जब जाना सोकर उठता है तो देखता है कि उसका भाई तो फिर से गायब है और टाइम भी हो चुका है उसे यहाँ से जाने का, इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब यहाँ वो स्मगलर उसे छोड़कर अकेले ही निकल जाता और यहाँ एक बार फिर से जाना का सपना टूट जाता है। कुछ समय के बाद जब वहाँ पे डाना पहुँचता है तो वो उसे पता चलता है कि वो अमेरिका नहीं जाएगा क्योंकि हेलिया यहीं पर मौजूद है। उसकी आवाज़ जाना को बहुत बुरी लगती है और वो कहता है कि तुम शुरू से ही बस हेलिया के लिए अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन मैं हमारे माता पिता के लिए अमेरिका जाना चाहता था और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जाना का यहाँ पर दिल टूट गया था, इसलिए वो उसे धक्का देकर वहां से भाग जाता है और पहुंच जाता है एक फैक्ट्री में जहां पर कुछ ट्रक्स रेडी हो रहे थे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। अब उसी में से एक ट्रक के नीचे वो लटक जाता है, लेकिन चलने के कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसका ये फैसला सही नहीं है क्योंकि अगर उसका हाथ छूटा तो उसमें उसकी जान जा सकती है। उधर डाना भी ऐसे ही एक ट्रक में जाकर बैठ जाता है और जाना के लिए अब मुश्किलें बढ़ने लगी थी क्योंकि चेकिंग होना शुरू हो गई थी, पर जैसे तैसे करके वो बच जाता है। तभी डाना भी वहां पहुंच जाता है और दोनों एक बार फिर से मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ वो उसे बताता है कि उसने अपने कंप्लेन बुक में उसका भी नाम लिख दिया है क्योंकि वो बार बार हेलिया के लिए उसे छोड़कर चला जाता है। वेल, अब दोनों जैसे तैसे वो पहला स्टॉप तो पार कर लेते हैं, लेकिन इसके आगे जाने के लिए उन्हें किसी की जरूरत पड़ेगी। लकीली उन्हें वहां पर वो आदमी मिल जाता है जिसे डाना ने वादा किया था कि वो उसे अमेरिका तक ले जाएगा। अब फौरन वो उसके पास जाता है जो उसे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए बहुत सुनाता है क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो उन्हें वो आर्मी वाले सभी को मार देते, लेकिन वो इंसान दिल का अच्छा होता है इसलिए वो यहाँ की मदद करता और उन्हें एक आदमी की कार की डिक्की में बंद करके बॉर्डर क्रॉस करवा देता। लेकिन वो दूसरा आदमी दिल का अच्छा नहीं होता है, इसलिए वो आदमी आधे रास्ते में दोनों को कार की डिग्गी से बाहर निकालता है और उन्हें बहुत मारता है, लेकिन वो फिर भी उसे विनती करते हैं कि हमें अपनी कार में बैठा लो, लेकिन वो इनकी बात नहीं मानता और इन्हें रेगिस्तान में अकेला छोड़कर चला जाता है। अब कुछ देर चलते हुए ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ दिन पहले ही जंग हुई थी और यहाँ दाना का पैर एक लैंडमाइन पर पड़ जाता है। ये उसे अच्छे से पता था कि अगर वो हिला तो उसकी मौत तो तय है और इसीलिए वो जाना से कहता है कि गांव में जाकर किसी से मदद मांग कर ले आओ। पहले तो उसे लगता है कि उसका भाई मजाक कर रहा है, लेकिन बाद में वो भागते हुए पास वाले गांव में जाता है। अब वहां पर वो कई सारे लोगों से मदद मांगता है, अपने भाई की जान की भीख मांगता है, लेकिन सभी लोग अपने कामों में बिजी थे, किसी को उस बच्चे की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उधर दाना की हालत अब खराब होती जा रही थी, वो धूप में खड़े खड़े बेहोश होने लगता है। अब वो आखिर में वो हिम्मत हार जाता और फैसला करता है कि वो पैर हटा लेगा,
लेकिन ये करने से पहले वो अपने छोटे भाई से माफी मांगता है और फिर अपने पैर को हटा लेता है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि वो माइन तो फ्यूज है और अब उसकी जान बच चुकी है। वो भागते हुए गांव में जाता है और अपने भाई को ढूंढना शुरू करता है। कुछ ही देर बाद उसे उसका भाई एक ठेले के पास बैठा हुआ मिलता है। अब डाना को देखकर वो खुशी के मारे रोने लगता है और आकर उसे गले से लगा लेता है। और यहाँ उसे चाचा की कही हुई बात पर यकीन हो गया था कि जब तक वो अपने भाई के साथ है तब तक उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती और वो खुद में ही एक सुपरमैन है। लेकिन अगर उसका भाई उसे दूर चला गया तो वो इस लाखों की भीड़ में खुद को तन्हा पाएगा। उन्होंने अब अमेरिका जाने का फैसला रद्द कर दिया था क्योंकि जाना को अपना सुपरमैन मिल चुका था, जिसके साथ ही ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपकी लाइफ में आपका सुपरमैन कौन है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।